हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी इधर बिल्कुल ठीक हूँ। तो इधर मैं आ गई हूँ सुबह का अपना काम कर छत के ऊपर। तो मैं इधर करूँगी छत की सफाई। तो इधर देख लीजिए, बारिशों के बाद ये मतलब कि हालात हुए हैं छत के। तो कोई सामान किधर, कोई सामान किधर। तो अब मैं करूँगी ये छत की सफाई सारी। तो ये सारा सामान इधर का उधर, ये कबाड़े की जो बोरी है इसके अंदर मैं सारा कबाड़े इसके अंदर भर के रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो मेरा बच्चा है उसके साथ मतलब कि फ्रेंड्स आते हैं उसके, तो वो भी खेलते हैं। तो कुछ सामान इधर का उधर फेंक देते हैं, शैतान है ना, इसलिए। तो इन सबको उठा के मैं रख दूंगी इस बोरी के अंदर और मैं झाड़ लूंगी छत को। तो ये देख लीजिए, इधर मैंने लकड़ियों को उठा के रख दिया है। और ये आप तिरपाल वगैरह देख रहे हैं, ये सारी इसके ऊपर डाल देते हैं जब बारिश का मौसम होता है, तब इसको ढक देते हैं जो ये जाल है खुला हुआ। तो ये जाल वाला और जिस पे हूँ मैं, ये मेरी दीदी जी के हिस्से का है छत ये सारा, और ये जाल वगैरह सब उनके हिस्से का है, बट वो है नहीं तो ये मेरे को ही करना होता है। तो अब मैं इसको झाड़ लूँगी, जितना भी कचरा वगैरह था सारा इकट्ठा करके मैं इसको फेंक दूँगी। कॉर्नर में नीम वगैरह है उसी का ही कचरा है, वैसे कुछ ज़्यादा कचरा नहीं है। और खुले होने के कारण धूल मिट्टी आती रहती है, बस वो ही है। तो ये मेरे छत के ऊपर आती हूँ मैं लगभग एक दो या तीन दिन के बाद आती हूँ मैं, दो या तीन दिन के बाद। तब तक इतना ही कचरा हो पाता है, और जैसे आंधी वगैरह आ जाती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नीम के पत्ते काफ़ी झड़ जाते हैं। तो ये मैंने कहा चलो सुबह किचन में सब्जी वगैरह बन गई है और रोटियाँ बनना बाकी थी, आटा लगा के मैं रख आई हूँ। तो मैंने कहा चलो छत की सफाई भी कराऊं, जब तक लाइट वगैरह आती है तो पानी यानी भर आ जाएगा। तो अब मैं छत को झाड़ के फिर जाऊंगी मैं किचन के अंदर। वैसे मैं झाड़ू पोंछा सारा करके आई हूं, और नीचे थोड़ा सा बचा हुआ उधर भी झाड़ू पोंछा करना है अभी जाके बाहर की साइड में। तो ये सारा कचरा है, ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब कि वैसे ज़्यादा नहीं है, निवोलियाँ हैं और नीम की लकड़ियाँ वगैरह हैं। तो मैं ना इनको ना क्या करती हूँ, ये पीछे जो गोबर वाला है हिस्सा, मतलब कि गोबर की खाद वगैरह होती है उधर पड़ी रहती है पीछे प्लॉट के अंदर। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए सारी ये गोबर पड़ा हुआ है पीछे ये नीम के। तो ये सारा मतलब कि खाद है जो खेतों को जाएगा। तो ये नीम की निम्बोलियाँ हैं और नीम के पत्ते हैं, और वैसा कोई कचरा होता है तो मैं उसको खुद फेंक आती हूँ डस्टबिन में, जिससे कि वो बाहर चला जाता है। और ये नीम के पत्ते वगैरह निम्बोलियाँ हैं तो मैं इसको पीछे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये खादी के ही काम आ जाएंगी गल के। तो इसको मैं सारा कचरा इधर की साइड, मैंने कॉर्नर को साफ कर लिया है। तो अब मैं करूँगी उस साइड का साफ। तो इधर भी कोई ज़्यादा मतलब कि नहीं था, ये जो आप बटल देख रहे हैं इसके अंदर मैंने सदाबहार के दो पौधे लगाए हुए हैं, तो ये पूजा पाठ कर लेते हैं तब मतलब कि काम आते हैं चढ़ाने में। तो उधर भी एलोवेरा लगा है, वो भी काफ़ी हरा भरा हो गया है और बारिश के कारण उसको अच्छा पानी मिल गया है, बरसाती पानी, तो इसके कारण से बहुत अच्छा हो गया है वो। तो अभी देख लीजिए दीवारों पे सीलन वगैरह आ रखी है, तो सीलन के कारण ये सारी ना जो भीत होती है ये दीवारें ये गीली हो रखी हैं। और इनको मैं ये सारा इधर छत का सफाई करने के बाद मैं जाऊंगी नीचे की साइड। तो नीचे भी मेरे को ना खाली मैंने किचन का किया है और मेरे को बाहर की साइड का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना पीना बर्तन वगैरह ये पड़ा हुआ है, बस मैं खाली सब्जी बना के आई हूँ, ओनली सब्जी और रोटियां सब कुछ बनना मेरा बाकी है। और इस साइड ये टंकी के साइड ये कॉर्नर है, इधर मैं पानी चला के इसको धो दूँगी, क्योंकि इधर मिट्टी वगैरह इकट्ठी होती रहती है कोने के अंदर, और सारा कचरा वगैरह धूल मिट्टी होती है वो इधर ही आके इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने कहा इसको टोंटी चला के मैं इसको झाड़ देती हूँ, ये साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो टंकी भी खाली हो चुकी है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, टंकी को भी भरना है मुझे। और मेरे को अपने रूम के सारे कपड़े धुलने पड़ेंगे, क्योंकि
श्रावण आ गया है, तो मैंने कहा धीमे धीमे धूप निकलती है उसी तरीके से मैं इनको धो के डाल देती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने कर लिया है बिल्कुल क्लीन, पहले मेरा गंदा था बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, और अब हो गया है ये बिल्कुल साफ। ये देख लीजिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, चूल्हा मेरा ढका हुआ पड़ा हुआ है, मतलब कि उस पर जब कभी मैं खोआ मावा वगैरह कर लेती हूँ तो मावा या मैं त्यौहार वगैरह होता है ना तो उस टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि गैस पे बहुत टाइम लगता है और ख़र्च भी बहुत जल्दी सिलेंडर हो जाता है, क्योंकि महंगा हो रखा है, मोदी जी ने सबसे ज़्यादा सिलेंडर पर महंगाई बढ़ाई हुई है। तो अब आ गई हूँ मैं सीढ़ियों के साइड में, तो सीढ़ियाँ भी मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि इधर भी ना जैसे बारिश का पानी हुआ था तो इसके साइड में ये कॉर्नर होते हैं, इधर भी मिट्टी वगैरह इकट्ठी होगी, तो मैं इसको धीमे धीमे झाड़ूंगी, क्योंकि नीचे साइड में जो गीला पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ये मिट्टी वगैरह चिपक जाएगी, तो इसके कारण से मैं इसको धीमे धीमे ही झाड़ लूँगी। तो इधर मैं सीढ़ियों को झाड़ लूँगी ताकि ये धूल मिट्टी वगैरह नीचे नहीं चिपके, तो इसको आराम से मैं झाड़ लूँगी, और मैं इसको डस्टबिन में सारा ये फेंक दूंगी, इसके ऊपर जितना भी सामान था ये सारा, मतलब कि पहले ही मैंने झाड़ लिया था ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी इकट्ठी ना हो। तो अभी ये सारा कचरा मैं इसमें भर के फेंक दूंगी। तो फ्रेंड्स यही मेरा सुबह का काम रहता है, तो आप देख लेते हैं फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता होगा और पसंद आया होगा आज का ब्लॉग वीडियो। तो अब जल्दी हूँ नीचे की साइड, ये देख लीजिए सीढ़ियाँ मेरी एकदम साफ हो चुकी हैं, टैल टूल वाली नहीं है, ऐसी ही हैं काम चलाऊ, क्योंकि अकेले का नहीं है ना तो इसलिए कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए इसमें छेद किए हुए थे ताकि कि रेलिंग लग जाए, बट नहीं है इतना जो रेलिंग वगैरह लग सके। और अब करने मुझे बर्तन साफ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।